चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरत की रैली में असदुद्दीन ओवैसी को विरोध का सामना करना पड़ा। ओवैसी की चुनावी रैली के दौरान कुछ मुस्लिम युवकों ने उन्हें काले झंडे दिखाए। ओवैसी जैसे भाषण देने के लिए माइक पर आए, कुछ युवकों ने उन्हें काले झंडे दिखाते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। काफी देर तक ये नारेबाजी चलती रही। ओवैसी सूरत ईस्ट में अपनी पार्टी के उम्मीदवार के प्रचार के लिए आए थे और उसी दौरान उन्हें काले झंडे दिखाए गए। ओवैसी की चुनावी रैली के दौरान कुछ मुस्लिम युवकों ने उन्हें काले झंडे दिखाए। इस वक्त की बड़ी जानकारी, ओवैसी जैसे ही भाषण देने के लिए माइक उन्होंने उठाई और कुछ युवकों ने उन्हें काले झंडे वहां पर दिखाने शुरू कर दिए, साथ ही नारेबाजी भी वहां पर शुरू कर दी। तो असदुद्दीन ओवैसी अक्सर अपने आप को मुसलमानों का मसीहा बताते रहे हैं, लेकिन सूरत में देखिए किस तरह से कुछ मुस्लिम युवकों ने उनका विरोध किया। जैसे ही ओवैसी माइक थामते हैं, वहां पर मौजूद लोग नारेबाजी करना शुरू कर देते हैं। ये तस्वीरें आपके सामने। सूरत से संवाददाता शैलेश चंपानेरिया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे अधिक अपडेट लेंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें देखिए किस तरह से यहाँ ओवैसी को काले झंडे दिखाए गए। कुछ लोग भीड़ में हाथ में काले झंडे लहराते नजर आए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मसीह कुरैशी साहब, मजलिस इत्तेहाद हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरत से शैलेश और अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। शैलेश, जो तस्वीरें इस वक्त हम देख पा रहे हैं, वहां पर मौजूद लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं, ओवैसी को काले झंडे दिखा रहे हैं। ओवैसी अक्सर अपनी सियासी रोटियां पहुंचने के लिए हमने देखा किस तरह से अब दूसरे राज्यों में जाते हैं, लेकिन उन्हें हर जगह ऐसे विरोध का सामना करके वापस लौटना पड़ता है। बिल्कुल, जो सूरत में जो उनका एक कैंडिडेट जो खड़े हैं उनके प्रचार प्रसार के लिए कल ओवैसी जी यहाँ सूरत में थे और जहाँ पर सभा का स्टेज बनाया गया था, खास करके जो गुजरात या सूरत के मुस्लिम है वो ओवैसी को नहीं चाहते। वो उनको लगता है कि ये ओवैसी वोट कटाव पार्टी के तौर पर मुस्लिम कैंडिडेट में दो हिस्सा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए उनका काफी यहाँ पर विरोध हो रहा है, क्योंकि जो मुस्लिम जो इलाका है वहाँ पर ही उन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा किया है, तो वहाँ के जो स्थानीय मुस्लिम है वो उनसे काफी नाराज इसलिए है कि वो मुस्लिम समाज में भाग पड़ के वो अपना जो वोट है, वोट प्रोसेस है उसको कम कर लेते हैं। इसके लिए वो भाजपा का फायदा भी करते हैं, साथ साथ में अब सूरत पूरे गुजरात में काफी मुस्लिम समाज के लोग ऐसे हैं कि जो मोदी को चाहते हैं, वो इसलिए चाहते हैं कि उनको सबसे बड़ी बात लग रही है कि यार गुजरात का विकास और खास करके मुस्लिमों की सेफ्टी। तो काफी लोग मोदी से प्रभावित होकर अब भाजपा की ओर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यही वजह है कि जी मुस्लिम समाज के लोग ओवैसी का विरोध। बिल्कुल शैलेश, और अब ये ओवैसी को भी देखना होगा कि जो हाल उनका बंगाल और बिहार में हुआ, कहीं वही हाल उनका गुजरात में भी ना हो जाए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट के लिए। वही सूरत की इसी रैली में ओवैसी ने एक बार फिर से पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा है। इसके लिए ओवैसी ने एक बार फिर धर्म कार्ड खेला। इस दौरान ओवैसी तबलीगी जमात का बचाव करते हुए नजर आए, साथ ही ओवैसी ने लोगों से धर्म के नाम पर वोट करने की अपील की। सवर्णों को दिए जा रहे 10% आरक्षण को दलितों और आदिवासियों के खिलाफ भी ओवैसी ने बताया है। भाजपा के दौर में कीमतें आसमानों को छू रही हैं, तनख्वाहें कम हो रही हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, हर चीज महंगी हो चुकी है, और भाजपा क्या कहती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। ये छोटा रिचार्ज बोलेगा, बिल्किस पे नहीं बात करेंगे, गारंटी कार्ड देंगे। अरे कार्ड की जरूरत नहीं है, जबान से बोलो। जो गरीब लोग आज गारंटी कार्ड को देखकर सोच रहे होंगे, मैं आपको पैगाम देना चाह रहा हूं, यही दिल्ली की सरकार थी जब 2019 और 20 में कोविड शुरू हुआ था, तो तबलीगी जमात को बदनाम करने वाला ये दिल्ली का मुख्यमंत्री था। मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनकर 8 साल हो गए, 15 लाख छोड़ो, 15 पैसे अकाउंट में नहीं आए। प्रधानमंत्री बन के 8 साल हो गए, नौकरी नहीं दिए। अब कह रहे हैं कि मैं 2024 तक 10 लाख नौकरी दूंगा।
तो ये आपको समझना है कि आपकी वोट के लिए आपको झूठ बोला जाता है, आपको धोखा दिया जाता है ताकि आपका वोट हासिल कर लो और उसके बाद आपको भूल जाओ। लोग खड़े हुए थे भाजपा, कांग्रेस और वो छोटा रिचार्ज। सूरत में आए और आकर एक ने कहा, ये माने दिल पे मत लो, लतीफा है, लाइटर वेन में है। तो एक ने कहा कि ए मेरे पास इतनी बड़ी दौलत है, इतनी जमीन है मेरे पास। ये हमारे छोटे भाई ने अपनी तकरीर में कहा था, उन्हें कहा इतनी बड़ी जमीन है कि अगर हम जमीन पर फर्टिलाइजर डालकर जब वापिस आते हैं पूरी जमीन पर अनाज खड़ा हो जाता है। तो वो दिल्ली का छोटा रिचार्ज बोला, हाँ इतनी जमीन तेरे पास है कि फर्टिलाइजर डालते हैं और वापिस आए जब तक अनाज उग जाता। बोले हाँ उग जाता। उसने बोला ओ हो ये तो लंबी छोड़ा, मुझे भी लंबी छोड़नी चाहिए। उसने कहा मेरे पास क्या है तुझे मालूम? तो बागपाल ने पूछा क्या है तेरे पास? बोले मेरे पास इतना लंबा बंबू है कि अगर हमारा दिल नहीं बहलता तो हम एक गांव के तारे को खींचकर सूरत पूर्व में लाते हैं और जब उसका दिल नहीं भरता तो उसको भरूच में लेकर जाते हैं उस तारे को। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।